सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूँ तहे दिल से दोस्तों। तो देख सकते हैं, ये है मेरे राइट में चंद्र घंटा, और चंद्र घंटा के अंदर से ये RRTS निकल के जा रही है दोस्तों, यानी कि नोएडा DND के बगल से यमुना रिवर को बनाती हुई, और ये न्यू अशोकनगर होते हुए आनंद विहार होते हुए निकल जाएगी दोस्तों। तो देख सकते हैं तस्वीरें, और ये दो पिलर बना दिए जा चुके हैं, और जैसे ही हम आगे को बढ़ेंगे तो ये आ जाता है 12 पुल्ला फ्लाईओवर, जो कि ये आ रहा है। आपको बता दी, इसको भी जोड़ा जा रहा है, और ये जोड़ दिया जाएगा मयूर विहार से, और मयूर विहार से जोड़ जाने के बाद में फिर ये पूरा हो जाएगा अक्षरधाम से, और सीधे आप निकलेंगे जाकर AIMM हॉस्पिटल पे। तो देख सकते हैं, एक पिलर इधर बनाया जा रहा है दोस्तों। और जब ये फ्लाईओवर बनाया गया था, ये सन 2005 में बनाया गया था जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे दोस्तों। देख सकते हैं ये 12 पुल्ला फ्लाईओवर, इसको क्रॉस करते हुए हम निकल रहे हैं, और दिखाएंगे कि कितने पिलर में, देखो इधर भी पिलर बनाए जा रहे हैं, और आगे जैसे ही चलेंगे आपको बता दें, जो दिल्ली का सराय काले खां के बगल में RTO ऑफिस है दोस्तों, उसके अंदर से ही ये रैपिड रेल की जो बायोडक्ट है वो निकाला जा रहा है, जो लाइन जा रही है वो उसके अंदर से ही जा रही है दोस्तों। देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ से ये स्टार्ट हो चुका है वर्क। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर ये सराय काले खां, यानी कि हम निजामुद्दीन आ चुके हैं, और दिल्ली का सबसे ज़्यादा बिजी ये सराय काले खां स्टेशन होने वाला दोस्तों। आपको बता दूं कि यहाँ पर एक तो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, दूसरी इसमें मेट्रो स्टेशन है, तीसरा इसमें बस अड्डा है, चौथा ये दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर जो कि बनाया जा रहा है, रैपिड रेल का भी चौथा होने वाला है स्टेशन दोस्तों। और आपको बता दूं कि आने वाले टाइम में, भविष्य में, ये इतना बिजी सराय काले खां वाला स्टेशन होने वाला है RRTS का दोस्तों, कि क्या ही बताएं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही सुंदर ये बनाया जा रहा है दोस्तों प्लेटफार्म, यानी कि RRTS का स्टेशन सराय काले खां में बनाया जा रहा है। देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पिलर बनाने का जो काम है वो अभी चल रहा है तेज़ी के साथ में। आपको बता दो कौन कौन लेवल तक के तो जो पिलर थे वो कुछ जगह बना लिए जा चुके हैं, कुछ पिलरों पे अभी कंक्रीट भरा जा रहा है, उन पर सरियाओं का जाल लगा के और इनको भरा जा रहा है अभी, और कौन के लेवल बन जाने के बाद फिर ये ऊपर का भी इस पर वर्क चल रहा है। देख सकते हैं ये कौन कौन लेवल के पिलर जोड़ दिए जा चुके हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए, अब इसके ऊपर का प्लेटफॉर्म लेवल का देख सकते हैं ये पिलर बनाए जा रहे हैं, और इनमें देख सकते हैं सरियाओं का जाल लगा दिया गया है, और अब इनमें कंक्रीट भरा जाएगा, फिर ये कंप्लीट होंगे। तो देख सकते हैं तस्वीरें, और ये तस्वीरें हैं दिल्ली सराय काले खां जो RRTS का स्टेशन बनेगा, और यहीं से RRTS पहली बार स्टार्ट होगी, यहीं से चलेगी मेरठ के लिए दोस्तों। और आपको बता दूं दोस्तों कि कई जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो हमें नीचे कमेंट करके बता रहे थे दोस्तों कि आप बताओ कि ये रैपिड ये मेट्रो है, मैंने बोला मेट्रो नहीं है, मेट्रो होती है सिर्फ NCR के लिए, यानी कि सिटी के अंदर ही अंदर, जो कि पब्लिक को इधर से उधर पहुंचाने के लिए, और लेकिन जो रैपिड रेल बनाई गई है वो एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए, तेजी के साथ में कनेक्टिविटी देने के लिए बनाई गई। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये कनेक्ट, आपको बता दूं कि कौन कौन लेवल के देखो ये पिलर्स बन के बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, अब इनके जो प्लेटफॉर्म लेवल का जो बनाया जा रहा है वो ऊपर स्टैंड किया जा रहा है, और इधर देख सकते हैं ये बे स्टैंड मंडर पार्क की साइड में ये पिलर देखो बनाए जा रहे हैं, कहीं फाउंडेशन का काम चल रहा है, कहीं पिलर बना दिए जा चुके हैं, कहीं इनका पिलर का जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा किया गया है, कहीं इसमें क्रेन मशीन लगी हुई है। तस्वीरें आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हो दोस्तों, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा,
और ऐसे ही वीडियोस इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के बीच में देता रहता हूं दोस्तों। तो देख सकते हैं कि आपको बता दो, बेस्ट ऑफ वंडर पार्क तक क्रॉस करने के बाद भी इस पर RRTS का काम चल रहा है स्टेशन बनाने का दोस्तों। और आपको बता दो कि ये देख सकते हैं, ये आयरन ब्रिज है जो बनाया गया है। आपको बता दो यहीं से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। एक लाइन जा रही है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के लिए राइट में, और सीधे अगर जाते तो प्रगति मैदान और राजघाट के लिए निकल जाएंगे दोस्तों। और ये देख सकते हैं, ये गाजीपुर में आपको बता दो ये है प्लांट, मटेरियल प्लांट RRTS का। और ईगल से देखो कितनी उड़ रही हैं, और देखो यहीं से ये आपको बता दो गाटर यहीं से बनाए जाते हैं और यहीं से उठ उठ के ट्रकों द्वारा और ये लगाए जा रहे हैं RRTS पर सरायकाले खां की तरफ। और ये आपका न्यू अशोक नगर की साइड में यहीं से सारा मटेरियल जा रहा है। ये मटेरियल प्लांट है दोस्तों दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर का, देख सकते हैं तस्वीर है आप लोग। एक ये प्लांट है, और उसके बाद में आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अब आ चुके हैं हम यहाँ पे। देखो ये आपको बता दूं राजनगर एक्सटेंशन का एलिवेटेड रोड पर मैं खड़ा हुआ हूँ, और फिर आपको बायोडेक्ट दिखा रहा हूँ RRTS का। तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने बायोडक्ट को जोड़ा है, इसके ट्रैक स्लैब डाले जा रहे हैं, ट्रैक बिछाया जा रहा है। किस तरीके से बिछाया जा रहा है आप अपनी आंखों से देख सकते हो दोस्तों। देखो ऐसे नज़ारे आप लोगों ने देखे हैं पहले, ये KP संत के चैनल पर ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो KP संत के चैनल पर, देख सकते हैं। और ये है सब स्टेशन, यहाँ पर चार बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर रखे गए हैं दोस्तों इस RRTS पर लगाने के लिए। और मेरे बगल में ही है देख सकते हैं इंडियन रेलवे की लाइन, देख सकते हैं इसमें मालगाड़ी अभी आ रही है, ये देख सकते हैं राइट में इंडियन रेलवे की मालगाड़ी आ रही है, और लेफ्ट हैंड पे देख सकते हैं RRTS दौड़ेगी 180 किलोमीटर की रफ्तार से। और आपको बता दूं कि प्रायोरिटी सेक्शन का ये पार्ट्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, और ये साहिबाबाद से लेकर और दोहाई गाजियाबाद दोहाई तक ये 17 किलोमीटर का प्रायोरिटी सेक्शन है जो बन के कम्प्लीट सही हो चुका है। और अब इस पर ट्रायल इस पर स्टार्ट हो जाएगा रैपिड रेल का दोस्तों अगले महीने से, यानी कि नवंबर दिसंबर से ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा इस रूट पर, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे। और ये है देख सकते हैं ये एलिवेटेड रोड है राजनगर एक्सटेंशन, ये 10 किलोमीटर का पार्ट है दोस्तों, राजनगर एक्सटेंशन से स्टार्ट होता है और ये आनंद विहार UP गेट पर जाकर ख़त्म हो जाता है दोस्तों। अब ये आ जाता है हिंडर रिवर, देख सकते हैं ये हिंडर रिवर का भी देख सकते हैं कि इसमें राइट हैंड का तो ट्रैक बिछा दिया जा चुका है, लेफ्ट हैंड का बचा हुआ है। आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हो कि किस तरीके से ये ट्रैक बिछाया जाता है, किस तरीके से बिछाया जा रहा है। देख सकते हैं इंडियन रेलवे को क्रॉस करवाने के लिए RRTS का वो आपको बता दूं लगाया गया है, ब्रिज बनाया गया है, देख सकते हैं ये स्टील का गटर बनाया गया है, गाटर द्वारा इस ब्रिज को बनाया जा चुका है दोस्तों, देख सकते हैं तस्वीर। और ये है हिंडर रिवर जहाँ पर आपको छेद चमक रहे हैं, ये पुरानी वाली लाइन है लेफ्ट हैंड वाली इंडियन रेलवे की, और राइट वाली ये देख सकते हैं ये रैपिड रेल की बनाई गई है दोस्तों। और 17 किलोमीटर के पार्ट में अब RRTS आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी जब ये दौड़ेगी चलेगी किस तरीके से। और हमारे इंडिया में ही ये बनाई जा रही है, गुजरात के सामली में ये असेंबल की जा रही है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, और यही कुछ नज़ारे हैं। तो देख सकते हैं वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।